आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनावी रंग अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। 11 दावेदारों में कहीं ना कहीं पंचकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। चुनावी समीकरण की बात करें तो हर प्रत्याशी मतदाता की गणित का हल ढूंढ रहा है। समुद्र तल से 439 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिहार विधानसभा की कुल मतदाता संख्या 2,57,723 है। इन्हीं मतदाताओं के हाथ में ब्यावर की सरकार है। सन 2008, 2013 और 2018 के चुनाव की बात करें तो सन 2008 में 1,80,382 मतदाता सम्मिलित थे। सन 2013 के चुनाव में 2,07,693 मतदाता सम्मिलित हुए। वहीं 2018 के विधानसभा के चुनाव में कुल 2,44,199 मतदाता थे। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में 2,57,723 मतदाताओं का मत प्रत्याशियों का भाग्य तय करेगा। मतलब 2018 के चुनाव की तुलना में इस बार करीब 13,500 करीब मतदाताओं के नाम जो है वो जोड़े गए हैं, जिसमें से 11,864 नव मतदाता पहली बार चुनाव में मतदान करेंगे। वर्तमान में कुल 2,57,723 मतदाताओं में से पुरुषों की संख्या 1,31,045 है, जो कि कुल मतदान का 50.84% है। वहीं स्त्री मतदाताओं की संख्या 1,26,675 है, जिनकी भागीदारी कुल मतदाताओं में से 49.15% है। अगर कुल मतदाताओं की संख्या में युवाओं की भागीदारी पर गौर करें तो पहली बार मतदान करने वाले और सभी युवाओं को जोड़कर उनका योगदान महत्वपूर्ण है, जो कि 52.83% है। इसके अलावा अधेड़ और सीनियर सिटीजन को मिलाकर 47.16% भागीदारी दोनों वर्ग की है। सभी मतदाताओं को ब्यावर विधानसभा में दो वर्गों में बांटा गया, शहरी और ग्रामीण। दोनों भागों में निर्वाचन विभाग की तरफ से कुल 276 मुख्य मतदान केंद्र और 3 सहायक केंद्र, मतलब कुल 289 मतदान केंद्र स्थापित किए गए, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। शहरी मतदान केंद्र की बात करें तो इसमें 96 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,400 है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में निर्वाचन आयोग की तरफ से 183 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां ग्रामीण कुल मतदाता 1,53,323 अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतलब कुल मतदाताओं में से 40.50% मतदाता का हिस्सा केवल शहरी क्षेत्र से आता है। ऐसे में स्पष्ट है कि कुल 289 मतदान केंद्रों में शहरी और ग्रामीण मिलाकर 2,57,723 मतदाताओं के मतदान की व्यवस्था की गई है। मतदाताओं का रिपोर्ट कार्ड समझने के लिए कुल मतदाताओं को हम 4 भाग में बांट लेते हैं। पहला भाग, जिसमें 11 पंचायतों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें मालपुरा, बलाड़, ब्यावरखास, रूपनगर, सुहाबा, सरमालिया, देलवड़ा, मेड़िया, लसाड़िया, पाखरियावास, फतेहगढ़ सल्लाह शामिल है। कुल मतदाताओं में से इन पंचायतों में 35,956 मतदाता निवास करते हैं, जो कि कुल मतदाता प्रतिशत का 13.95% का हिस्सा है। इसमें कुल 35,956 जो मतदाता है उनमें से 18,354 पुरुष तो 17,602 स्त्री मतदाता शामिल है। 11 पंचायतों में सर्वाधिक मतदाता वाला क्षेत्र जो है उसमें मीडिया क्षेत्र है, जो कि बूथ के आधार पर सर्वाधिक मतदाता वहां पर 1,459 है। सबसे कम ठिकराना गुजरान है, जहां पर 378 मतदाता शामिल है। इसी प्रकार अब शहर की बात कर लेते हैं, जहां पर कुल 96 बूथ बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में कुल 1,04,400 मतदाता है, जिसमें से 52,917 पुरुष और 51,481 स्त्री मतदाता है। कुल मतदाता का 40.50% मतदाता का हिस्सा केवल शहरी क्षेत्र है। अब बात करते हैं शहरी मतदान केंद्रों की, जहां पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा प्रभाव रखती है। शहरी बूथों में सर्वाधिक मतदाता संख्या वाला क्षेत्र फतेहपुरिया है, जहां पर बूथों के आधार पर मतदाता संख्या करीब 8,552 है। वहीं चंपानगर क्षेत्र ऐसा है जहां पर महज 765 मतदाता संख्या है, जो कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है। जवाजा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 86,683 मतदाता इस बार अपनी भागीदारी निभाएंगे। 86,683 मतदाताओं में से पुरुष मतदाता 43,937 है, वहीं 42,745 स्त्री मतदाता सम्मिलित है। जवाजा ग्रामीण क्षेत्र में कुल मतदाता का 33.63% अपनी हिस्सेदारी रखता है। इसके अलावा जवाजा ग्रामीण बेल्ट में सर्वाधिक मतदाता जवाजा में 3,049 है, जो कि जवाजा में ही है। वहीं सबसे कम मतदाता वाला जो क्षेत्र है वो तारागढ़ है, जहां पर 249 मतदाता है। इसी प्रकार भाले क्षेत्र में, जहां पर 8 पंचायतें सम्मिलित हैं, जिसमें टाटगढ़, मालातो किबैर, बंजारी, आसन, बराखन, बामनहेड़ा, सातुखेड़ा, बड़ाखेड़ा शामिल है।
उक्त बालिया क्षेत्र में कुल मतदाता 30,684 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 15,837 है, वहीं स्त्री मतदाताओं की संख्या 14,847 है। भालिया कुल मतदाता में से 11.90% हिस्सेदारी अपनी रखता है। भालिया में सर्वाधिक मतदाता वाला क्षेत्र बड़ाखेड़ा है, जहां पर 2,090 मतदाता है। वहीं कम मतदाता वाला क्षेत्र जो है वो बड़ी का चौड़ा है, जहां पर 225 मतदाता है। चुनाव आयोग द्वारा 56 मतदान केंद्रों को रिस्क जोन में रखा गया, जिसमें 13 बूथ असुरक्षित तो 43 बूथों को संवेदनशील माना गया। उक्त 56 बूथों पर अतिरिक्त फोर्स लगाकर मतदान व्यवस्था को सुचारू रखा जाएगा। अब मतदान 25 नवंबर को होना है और परिणाम 3 दिसंबर को आना है। कुल मिलाकर 2,57,723 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुनाव में खड़े हुए 11 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। आपसे अपील है कि आप अपने मत का प्रयोग अवश्य कर मतदान जरूर करें।